हर हर महादेव दोस्तों, नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम हैं बाबा बनाथा मंदिर के प्रांगण में और ये जो आप दृश्य देख पा रहे हैं ये निकास द्वार का जो है दृश्य आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर सभी कांवड़िया भक्त जो है जलार्पण करने के बाद इस प्रकार से निकल रहे हैं और लाखों की तादाद में कांवड़िया पहुँचे सावन के पहला दिन पहले सोमवारी को जो है पूरा बाबा मंदिर का प्रांगण जो है भगवा कलर से रंगीन हो गया है। बोलम किनारा से जो है पूरा गूंज रहा है और लाखों की तादाद में कांवड़िया पहुंचे हैं पहली सोमवारी को जलार्पण करने के लिए। देख ही पा रहे हैं कि पूरा प्रांगण आप सभी को भी देखने को मिल रहा होगा। तो कुछ ही क्षण में यहाँ पर कृष्णा पंप पहुँचने वाले हैं बाबा भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए और ये देख पा रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ में भी जो है उनका जलार्पण करना किस पर मतलब बहुत ही दिक्कत से जो है इस बार उनको बहुत परेशानी हुआ। 72 साल की उम्र में 41वां यात्रा जो है डाकबम यात्रा करते हुए जो है बाबा मंदिर के प्रांगण तक पहुंची हैं और जलार्पण करने के लिए जो है उनको बाह्य अर्घा से ही जो है जलार्पण करना है। देख ही पा रहे हैं कि डाकबम को जो है स्पेशली यहां पर कोई सुविधा नहीं है और यहां तक कि कृष्णा बम जी को भी यहाँ पर कोई सुविधा जो है नहीं दिया जा रहा है। देख पा रहे हैं बाहर से ही जलार्पण करना है और पिछले जब आई थी 2022 में तो जो पात्र है अंदर में जो वायरगा का जो पात्र होता है वहाँ पर खड़ी होकर उन्होंने जलार्पण किया था। इस बार उन्होंने ये उनको जो है ये मौका भी नहीं दिया गया। देख पा रहे हैं यहीं से वो जलार्पण किए तो कम से कम थोड़ा व्यवस्था मिलना चाहिए। और ये तो इतनी पुरानी जो है इतने सालों से आती रही है और सभी जो है इनका चरण स्पर्श के लिए इनसे आशीर्वाद लेने के लिए जो है सभी जो है तत्पर रहते हैं और मतलब इनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं और जिनको जो है मतलब इतना खुशनसीब समझते हैं इनका आशीर्वाद लेकर जिन इनको भी जो है यहाँ पर कोई ऐसा सुविधा नहीं मिला तो वायर का से ही उन्होंने जलार्पण किया और साथ में उनके एक बेटे हैं। और पूजा करने के बाद बाहर जगह से जलार्पण करने के बाद जो इस प्रकार से उनको जो है बाबा का आशीर्वाद जो है माला पहना कर दिया गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उनको कुछ न कुछ सुविधा मिलना चाहिए था तक कम से कम वहाँ पर पात्र में ही जल जलार्पण करने को दिया जाना चाहिए था। ऐसे भी उनका जो हालत बहुत इस बार ख़राब थी देख ही पा रहे हैं पूरा जो है कांवड़िया पथ पर जो है इस प्रकार से उनको लेकर आया गया था और यहाँ पर भी जो है मंदिर में किस प्रकार से सभी लोगों ने लेकिन बहुत फुल सपोर्ट मिला उनको प्रशासन की तरफ से। और देख ही पा रहे हैं इस प्रकार से जब पूजा जलार्पण हो गया उनका तो फिर पश्चिम द्वार से होते हुए जो है उनको यहाँ पर दुकान में लेकर आए सभी और उनको जो है यहाँ पर बिठाया गया पंखे चलाकर बिठाया गया ताकि थोड़ा सा उनको हवा लगे और थोड़ा बहुत सुस्ता ले थोड़ा आराम कर पाए सभी लोग जो है जो भी उनके जो साथ में थे और कुछ है जो है यहाँ के जानकार लोग भी हैं तो उनकी जो सेवा में लगे थे। इस प्रकार से थोड़ा आराम किए कुछ खिलाया पिलाया गया उनको। तो यहीं देवघर में जो है उनका घर है और यहाँ आज के मतलब जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन वो रुकते हैं और इसके फिर कल होके यहाँ से निकलते हैं। तो थोड़ा देर आराम करने के बाद जब उनका जो हो गया थोड़ा सा अच्छा सम्मान हुआ तो फिर उनको जो है स्कूटी पे बिठाकर जो है लेकर जाने लगे। तो बस जो है उनका सफ़र जो है काफ़ी अच्छा रहा जो आप सभी को शेयर भी किए कांवड़िया पथ का भी और किस प्रकार से उनका जलार्पण हुआ और डाक बम को लेकर जो है आप सभी हमेशा पूछते रहते हैं ना तो देख ही पा रहे हैं यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो जो भी जो है डाक बम को लेकर जो है आप सभी को शेयर भी किए और जाते जाते माता बम ने जो है हर हर महादेव का जो है यहाँ पर जयकारा लगाया और इस प्रकार से वो यहाँ से निकल पड़ी। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और जो भी अपडेट था आप सभी को शेयर किए। मिलते हैं जल्द ही आप सभी से नए ब्लॉग में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।